तरह के आदेश नहीं होने पर मेरे द्वारा एक अंतरिम आदेश है तो एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा क्या पूरा मामला माननीय स्थायी लोक अदालत जो अजमेर है उसके समक्ष मेरे द्वारा एक याचिका प्रस्तुत की गई थी अप्रैल माह के अंदर। उस याचिका के अंदर मेरे द्वारा जलकुंभी जो बहुत ही भयावह स्थिति के अंदर फैल रही है उसके रोकथाम के लिए लगाई थी। काफ़ी टाइम नहीं, किसी भी तरह के आदेश नहीं होने पर मेरे द्वारा एक अंतरिम आदेश है तो एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा ऐसी जो एक्शन होते हैं उन्हें बुलाया और बुलाने के बाद एक आदेश माननीय न्यायालय द्वारा किया गया जिसके अंदर ये कहा गया कि जितनी भी जलकुंभी बाहर निस्तारण के लिए निकाली जा रही है उसे खुले ट्रक में नहीं ले जाया जाएगा, उसे ढक के लेके जाया जाएगा और रास्ते में वो गिरनी नहीं चाहिए। सेकंड, उन्होंने ये कहा कि स्वास्थ्य और अभी गर्मी को देखते हुए जो आबादी क्षेत्र के अंदर खुले भूखंड जो पड़े हैं उसमें जलकुंभी को डाला जा रहा है, उस जलकुंभी को नहीं डाला जाएगा। अभी आदेश किए हुए 3 दिन हो गए, 2 दिन से उन आदेश की पालना पूर्ण रूप से नहीं हो रही है जबकि एक्शन को सुनाकर उस प्रोसीडिंग के ऊपर साइन कराए गए थे। जो मनोहर सोनग्रा जी करके एक्शन साहब आए थे उन्होंने साइन किए हैं, तो एक तरह से कंटेम जैसा कार्य कर रहे हैं ये लोग। जो ट्रक जा रहे हैं वो खुले जा रहे हैं और ऐसे के ऐसे जलकुंभी घिर रही है, वही उसी तरीके से गाड़ी मोटरसाइकिल के फिसलने के चांसेस हो रहे हैं और खुले के अंदर इसी प्रकार से डाला जा रहा है। इसको लेकर शिकायत करने के बावजूद भी जो डंपर वाले हैं वह पूरा भुगतान लेने के बाद में भी इस चीज़ को लेकर आंदोलनरत हो रहे हैं कि हम इसको ढक्के नहीं लेके जाएंगे। तो अगर ढक्के लेके नहीं जाते हैं तो मुझे व्यथित होकर इनके ऊपर अवमानना